हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th फिजिक्स, आपके जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन का सबसे पहले तो कुछ नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट स्टार्ट। नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से पता चल रहा है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इफ़ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम हाइट, अगर हम कोई स्टोन लें और हाइट से नीचे की तरफ गिराएं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। ओके, इट एसेलरेट्स टुवर्ड्स अर्थ, नीचे की तरफ एसेलरेट करता है। ओके, द स्टोन इज व्हेन एसेलरेट टुवर्ड्स अर्थ मीन्स सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर कोई स्टोन है वो नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब है उस पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उसको कोई खींच रहा है। ओके, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट, जो फोर्स पुल करता है, खींचता है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसको हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो रहा है ना? ओके, हेयर स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट अर्थ, यहाँ पे जो स्टोन है वो अर्थ को, स्टोन भी अट्रैक्ट करता है। ओके, इट मींस एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ओके, जो कोई भी यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया, कोई भी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ऊपर से नीचे की तरफ आती है। न्यूटन ने ये लॉ कैसे ढूंढा था? उन्होंने जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो वो देख रहे थे कि भाई ये फ्रूट गिरा तो नीचे की तरफ क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? तो उसके बाद उन्होंने सर्च स्टार्ट करते करते फिर उन्होंने लास्ट डिसीजन निकला ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, उन्होंने सर्च कर लिया इस चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, मतलब न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अगर ये आपका मास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, उसका मास एम है, कैपिटल एम, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है स्मॉल एम, मतलब इसका मास थोड़ा कम है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो आपका फोर्स होगा वो होगा जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास, मतलब कोई भी मास, कोई भी वजन की चीज़ दूसरे मास की चीज़ को एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। ओके स्टूडेंट्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो आपका फोर्स होता है वो जो दोनों का मास का प्रोडक्ट, यानी एम और एम के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट इज़ मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? मल्टीप्लाई है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आपका ये हो गया जी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी एम एम, एंड एफ इज़ डायरेक्टली इनवर्सली डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अपॉन डी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो लेट कर लेते हैं, लेट मासेस एम एंड एम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टेंस डी, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है कैपिटल एम, एक का मास है स्मॉल एम, वही जो चीज़ हमने ऊपर समझाई थी वही नीचे आ रहे हैं। ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस अपार्ट देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ बिटवीन देम देन एफ प्रोपोर्शनल टू एम एम। ओके, प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट है एम और एम का प्रोडक्ट, एंड एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली, ओके, इनवर्सली वन अपॉन क्या है आपका, वन अपॉन डी स्क्वायर, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे है, इट मीन्स एफ इज
ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं और इसकी जगह आ जाता है जी, ओके जी आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, वेयर जी इज कॉन्स्टेंट एंड नोन एज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ओके जिसको ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ही बोलते हैं, जी को ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। वैल्यू ऑफ जी होती है 6.67 इंटू 10^-11, ये वैल्यू आपको लर्न रखनी पड़ेगी, कहीं कहीं क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर देने रखी होती तो आपको ये लर्न रखनी पड़ेगी, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा इसका यूनिट, यूनिट हम आगे और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, यूनिट आपका ये लिखा हुआ है ओके मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ओके एंड यूनिट, यूनिट है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये क्यों आया न्यूटन, क्योंकि अगर हम एफ आगे देख लेते हैं, जी इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर, ओके एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन ये आपका जो डी स्क्वायर है, ओके डी स्क्वायर है, ये तो आपका एम एम हो गया मास, ये कैपिटल मास है, ये स्मॉल मास है, ये बड़ा जो ऑब्जेक्ट दो लिए थे ना हमने, दो ऑब्जेक्ट जो लिए थे एक बड़ा एक छोटा, ये एम इसका स्मॉल एम, ओके स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि जो मास होता है वो किलोग्राम, इसका मास होगा किलोग्राम, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि पावर जो होती है यहाँ वन पावर है, यहाँ वन पावर पावर हमेशा ऐड हो जाती है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये कहाँ से निकल के आया, अगर हम ये इधर समझा दे रहे हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा हमारा एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम, जी एम एम, जी एम और स्मॉल एम, देन जी इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर, ओके अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल एम और स्मॉल एम। अच्छा एफ फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन से, ओके न्यूटन से करते हैं। डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब जो डिस्टेंस आपके उसको किससे डिनोट करेंगे, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। मास और मास मतलब दो मास हो गए, दोनों मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास स्क्वायर यानी कि किलोग्राम स्क्वायर, मास को किससे मेजर करते हैं किलोग्राम से, किलोग्राम स्क्वायर। तो आप इतना एक तो नोट्स हैं ये, इसको आप नोट कर लेना नोटबुक के अंदर, ओके स्टूडेंट्स। हम इसकी पीडीएफ भी भेजेंगे और इसको वीडियो भी भेजते रहे, इसी टाइप से दो तीन दिन में आपके रीडिंग करवाने के बाद एज अ रीडिंग, ओके और नोट्स दोनों के बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आपके वीडियो ऑन बोर्ड, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।